हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन पर, और आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं आपके लिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, लेकिन जब तक वह पार्टिकुलर या फिर उसका कोई विशेष नाम नहीं होगा तब तक वह प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर उसका कोई पार्टिकुलर एंड विशेष नाम होगा तो वह प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, यहाँ यह प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकुलर या फिर विशेष नाम नहीं बताया गया है, ना किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ना किसी विशेष वस्तु का नाम, ना किसी विशेष स्थान का नाम, तो यह यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं होगा। और प्रॉपर नाउन मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे नेहा इज माई फ्रेंड, तो यह यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि नेहा एक पार्टिकुलर या फिर विशेष नेम है व्यक्ति का। तो चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बता देती हूँ प्रॉपर नाउन के। जैसे अमन, मेरठ, इंडिया, रामायण, गंगा, ईटीसी। और एक आपके लिए प्रॉपर नाउन से एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर नाउन चाहे बीच में हो, वाक्य के साइड में हो या फिर शुरुआत में हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, राधे राधे।